आपके टाइम पे जैसे गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी कहीं लेके जा रहे हैं और गाड़ी अचानक बंद हो जा रही है, बिल्कुल करंट जो है गाड़ी का गोल हो जा रहा है और ना ही सेल्फ ले रही ना कुछ ले रही। नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ मिसिंग की प्रॉब्लम है, या कह सकते हैं छोटा सा इशू है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। तो कई बार ऐसी होती है छोटी छोटी चीज़ें हम दिल पे ले बैठते हैं और परेशान ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी एक प्रॉब्लम इस गाड़ी के अंदर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि छोटा सा इशू आपके लिए कितना परेशानी क्रिएट कर सकता है या आप उस परेशानी को कितने छोटे से में हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये गाड़ी है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है मैं आपको एक बार छोटा सा डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ आप न्यूट्रल लाइट देखेंगे, यहाँ पर ये न्यूट्रल लाइट जलेगी, ठीक है। अब मैं एक बार हेडलाइट ऑन करता हूँ, यहाँ पर देखिए हेडलाइट ऑन करते ही आप इसकी जो पावर है, इस पावर को देखिए बहुत ज़्यादा लो हो गई है। और इसी जगह पर अगर मैं सेल्फ यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर एक देखिए ब्लू कलर की लाइट है, इंडिकेटर की जो एल लाइट है वो देखिए ब्लिंक कर रही है, मतलब लाइक कि मेरे अंदर पावर नहीं है इतनी और मैं नहीं उठा सकती। अब मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ और देखिए सेल्फ अभी लेने लग रही है। और यहीं पर हेडलाइट ऑन करने के बाद बिल्कुल घुस हो गई है। अब बंदा कब, मतलब जिस बंदे की ये गाड़ी थी वो बंदा कभी कभी बता रहा है कि इस टाइप से गाड़ी को मैं हिलाता हूँ या थोड़ा सा यहाँ से ऐसे हिलाने पे मेरी गाड़ी की लाइट पूरा बंद हो जा रही है। ऐसे में जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि रात के टाइम पे जैसे गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी कहीं लेके जा रहे हैं और गाड़ी अचानक बंद हो जा रही है, बिल्कुल करंट जो है गाड़ी का गोल हो जा रहा है और ना ही सेल्फ ले रही ना कुछ ले रही। फिर उसके बाद गाड़ी को ऐसे हिलाओ या वायर को ऐसे ऐसे खींचो, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जा रही है। इस टाइप का अगर आपके साथ कभी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आपको जो चेक करना है गाड़ी के अंदर, ये होता है एमीटर। ये एमीटर होता है लाइक आप समझिए कि इसके अंदर दो वायर होती हैं और वो वायर आपको मेरे ख्याल से यहाँ कहीं नज़र आएंगे, इसके नीचे एम्पियर मीटर होता है। एक बार मैं इस मीटर को पूरा बाहर निकाल देता हूँ, मीटर को बाहर निकाल के मैं आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है। लाइक देखिए अभी बिल्कुल लाइट गोल हो गई, देखिए लाइट गोल हो गई। अब मैं यहाँ नीचे से थोड़ा सा ऐसा हाथ आके हिलाऊँगा और देखिए लाइट आ गई। देखिए लाइट की जो पावर है ना, देखिए बिल्कुल भुस हो चुकी है और यहीं पर अगर थोड़ा सा हिलाने पे लाइट तेज हो जा रही है। तो सारा खेल इस मीटर के अंदर है। इस टाइप की प्रॉब्लम आती तो अच्छा, मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि छोटा सा इशू है, इंसान उसको कितना डीपली लेता है या परेशान हो जाता है। तो मेरे वीडियो बनाने से अगर किसी की मदद होती है तो मैं उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं इस मीटर को खोल के आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और कैसे इसको शॉर्ट आउट करना है। इस केस में मैं इस मीटर को नया डालता हूँ, आप कुछ और भी कर सकते हैं, वो मैं खोल। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका जो सॉकेट होता है, इस सॉकेट को बाहर निकाल देते हैं। ये इसका सॉकेट है, कपलर। अब इस मीटर को बाहर निकालना है तो उसके लिए यहाँ पे पेचकस लगा के ऊपर की साइड से, तो इसके अंदर पेचकस लगा के यूं कुछ इस तरह मीटर बाहर निकल जाता है, ज़्यादा टफ नहीं है। और अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रस्ट लग गई है, या मेरी हिंदी लैंग्वेज में बोले तो जंग लग जाती है, वो पानी की वजह से लग जाती है, धुलाई वॉशिंग होती है ना इसलिए। और इसके अंदर करंट सप्लाई होता है तो रस्ट लगने के कारण ज़्यादा बन जाते हैं। ये इसके मीटर की लाइट है और ये है। अब देखिए इस मीटर को जरा ध्यान से देखेंगे, ये मीटर देखिए पूरा हिल रहा है अंदर से, तो इसका मतलब रश लग के जो अंदर चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। देखिए इधर वाला जाम है और ये तो बिल्कुल हिल रहा है, तो ये जो मीटर है अंदर से ख़राब हो चुका है। तो हमें एक मीटर डालना है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम के सामने इसकी कॉस्ट या इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। यह है मीटर और इसको फिट करने के लिए इसकी जो पुराना मीटर है इसके अंदर से रबड़ निकाल के और इसकी
इसकी रबड़ हमें इस तरह कुछ लगानी है। देखिए उसके बाद जो नए मीटर आए हैं उसकी क्वालिटी देखिए, यहाँ पर हमारा पुराना मीटर देखिए और ये नया मीटर देखिए। तो इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करके नया बनाया है कुछ अच्छा कि चले यूज आ सके आपके लिए, ठीक है। और इसमें देखिए डायल के अंदर भी गैप आ चुका है, क्या होता था ये जल जाता था इस तरीके से। देखिए कुछ अच्छा प्यारा सा लग रहा है, एक बार इसको फिट कर लेते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। देखिए इतना ईजी है, बाद में सॉकेट इधर से लगाना है आपको, जो इसका कपलर था ये रहा इसका सॉकेट, और इसको मेल को फीमेल में लगा देना है और दैट्स इट, फाइनली काम ख़त्म हो चुका है। अब हम देखते हैं कि गाड़ी के मीटर के अंदर लाइट बिल्कुल परफेक्ट है, ये लाइट भी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। लाइट जलाने के बाद सेल्फ थोड़ा सा बैटरी भी डाउन हो गई है, तो अब देख लेते हैं। देखिए सेल्फ हमारा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, तो लाइट भी ऑन है हमारी, लाइट चेक कर सकते हैं। तो यही एक छोटा सा मीटर के अंदर मतलब 6 महीने साल भर के अंदर इसके अंदर छोटा सा कार्बन जमने की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, उसको आप दिल पे ले लेंगे, परेशान होंगे इधर उधर भटकने से अच्छा है कि चीज़ों को समझे प्रॉब्लम कहाँ से आ जाती है। लाइक कुछ लोग करते हैं क्या पूरी वायरिंग फाड़ के उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, फिर उसके बाद में लास्ट में फाइनली मीटर भी चेंज करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले हम चीज़ों को समझें कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, लाइक करंट इसके अंदर सप्लाई होता है और इसके अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक छोटा सा मोटिव था कि आप लोगों को बताना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।